आजादी के 70 साल हो गए। बहुत सारे काम सब सरकारों ने अपने अपने तरीके से किए हैं। सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती, माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के दो दो तीन तीन पांच पांच किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है। और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है, और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे, और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, समुद्री पानी को या वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का विषय हो, किसानों के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने, पानी का महत्व समझे, हमारे शिक्षा क्रमों में भी बच्चों को भी बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए, पानी संग्रह के लिए, पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें। और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना होगा। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, और इस देश के महान संत सैकड़ों साल पहले संत थिरुवल्लुवर जी ने उस समय एक महत्वपूर्ण बात कही थी। सैकड़ों साल पहले, तब तो शायद किसी ने पानी के संकट को सोचा भी नहीं होगा, पानी के महत्व को भी नहीं सोचा होगा, और तब संत थिरुवल्लुवर जी ने कहा था, निरेंद्रु अमियाधु उलगह। यानी जब पानी समाप्त हो जाता है तो प्रकृति का कार्य थम जाता है, रुक जाता है, एक प्रकार से विनाश प्रारंभ हो जाता है। मेरा जन्म गुजरात में हुआ। गुजरात में एक तीर्थ क्षेत्र है महुड़ी करके, उत्तरी गुजरात में है। जैन समुदाय के लोग वहां जाते आते रहते हैं। आज से करीब 100 साल पहले वहां एक जैन मुनि हुए। अब वो किसान के घर में पैदा हुए थे, किसान थे, खेत में काम करते थे, लेकिन जैन परंपरा के साथ जुड़ करके वे दीक्षित हुए, जैन मुनि बने। करीब 100 साल पहले वो लिख करके गए हैं। उन्होंने लिखा है, बुद्धि सागर जी महाराज ने उन्होंने लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा
जब पानी किराने की दुकान में बिकता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं, 100 साल पहले एक संत लिख के गया कि पानी किराने की दुकान में बिकेगा। आज हम पीने का पानी किराने की दुकान से लेते हैं, कहां से कहां हम पहुंच गए। मेरे प्यारे देशवासियों, न हमें थकना है, न हमें थमना है, न हमें रुकना है, न हमें आगे बढ़ने से हिचकिचाना है। यह अभियान सरकारी नहीं बनना चाहिए। जल संचय का यह अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए।